हज के यात्री जो है उनके लिए 1,00,000 रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा। किसके लिए? दोबारा क्वेश्चन। हाँ, पूरे आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 1,00,000 रुपए हज यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जहां बीजेपी का समर्थन भी है टीडीपी को। अब भाई देखिए, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा वो करना चाहते हैं। हर आदमी थोड़े मोदी जी की तरह होता है कि मैनिफेस्टो लिख के भूल गए। अब उन्होंने करना है तो कर रहे हैं, मोदी जी जवाब दें। पूरे चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे आरक्षण, मुसलमान आरक्षण, और जिनका सहारा लेना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू जी का सहारा लेना पड़ा, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण लिखा हुआ है। बताएं, जवाब दें नरेंद्र मोदी जी अब। लेकिन वो तो सवालों को हमला मानते हैं, तो उनसे आप पूछ भी नहीं पाएंगे। एक और सवाल है, आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि दिल्ली में या हरियाणा में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होगा विधानसभा चुनाव में। कब किया ये? कल गोपाल राय ने इंटरव्यू कर, बहुत लेट नहीं होगा ये तो? हमने जब अलायंस हुआ था तभी बोल दिया था कि ये लोकसभा के लिए अलायंस है, तो ये अब नया नया बात क्या कर रहे हैं? तो पुरानी बात हो गई। इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ये तो जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था तभी हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है ये इस लोकसभा तक के लिए है, पूर्ण विराम। इसमें कोई अल्प विराम और अर्ध विराम नहीं है, पूर्ण विराम है। इंडिया गठबंधन में क्या आम आदमी पार्टी बनी रहेगी? अब ये आप उनसे पूछिए। हम ना तो हारे और ना हमारे संस्कार ऐसे हैं, विजय से उम्दा पैदा नहीं होता, हम पराजय उपास भी नहीं करते। अब आपको हंसी आई जब सुना आपने? 10 दिन पहले कहा था कि मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं, अब बोल रहे हैं कि अब जो आदमी भगवान का ही वो अवतार हो उसके लिए वाराणसी में 3 राउंड हारना और फिर संघर्ष करते हुए जीतना, क्या इसको आप जीत मानते हैं? उनके किचन कैबिनेट की सदस्य एक नहीं अनेक, स्मृति ईरानी जी तो एक हैं और भी अनेक लोग, 17 मंत्री, उनके किचन कैबिनेट के लोग धराशायी हो गए, इसको वो जीत मानते हैं। उनका विनिंग मार्जिन उसी राज्य में राहुल गांधी लड़े, 3,40,000 से जीते, राहुल जी के पड़ोस में किशोरीलाल शर्मा जी 1,66,000 से जीते, वहां वो 1.5 लाख में संघर्ष करते हुए रेंगते हुए जाकर जीते, इसको आप जीत मानते हैं। प्रधानमंत्री जी को खुश हो लेने दीजिए, अब ये खुशी कितने हफ्तों की है कितने महीनों की है ये तो वो जो बायोलॉजिकल नहीं है ना, वो भगवान, वो वाला भगवान वो जाने। पवन जी, अभी सर भाई, थैंक यू सर भाई, आम आदमी पार्टी वाला सवाल है कि दिल्ली में ही हमने देखा कि दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद भी बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट आए, और इसके फौरन बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी, अभी तो विधानसभा चुनाव काफी दूर है, अभी से जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि अकेले लड़ेंगे, नहीं मैं तो क्या पहले कह चुके हैं, रणनीति लगती है क्या वो किसी प्रकार के दबाव में? रणनीति तो मेरे को नहीं मालूम क्या होगी, लेकिन हम लोग तो बहुत पहले जब इंडिया गठबंधन बना तभी आम आदमी के विषय में हमने क्लियरली कहा था, मुझे याद है मैंने भी कहा था कि यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। रही बात की दोनों मिलकर लड़े फिर भी नतीजे अच्छे नहीं रहे, तो हम अपने यहाँ जो प्रदेश की इकाई है उससे चर्चा कर रहे हैं, पूरा एक एक बूथ का, एक एक ब्लॉक का, एक एक जिले का, हमारे यहाँ पूरी रिपोर्ट बन रही है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। क्या वो कोई प्रेशर मिला? कौन? अब उनके प्रेशर के बारे में तो मैं नहीं बता सकता ना। पवन जी, आज प्रधानमंत्री संसदीय के नेता चुने जाते उसके बाद जो है, वैसे राहुल जी 3,90,000 से जीते हैं, मोदी जी को आज थोड़ा और, इसलिए अच्छा कि आपने आंकड़ा खोल के बता दिया मुझे। एक बार दोहराना चाहिए, जिस राज्य से देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 1,50,000 वोटों से जीते हैं, उसी राज्य में हमारे बायोलॉजिकल नेता राहुल गांधी जी 3,90,000 वोटों से जीते।